यहाँ पे देखेंगे ये मेरा साइन बोर्ड है और नीचे में देखेंगे इस प्रकार से पुतला आपको मिलेगा देखने के लिए और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको गेट मिलता है इस प्रकार से। मैं आपको पहले डिजाइन दिखा दे रहा हूँ, इस प्रकार से मेरा डिजाइन किया हुआ है और ऊपर में देखेंगे तो काफ़ी लाइट है और कपड़ा हैंगिंग करने के लिए सामान दिया गया। तो ये हमारा कवासिक फैशन का शॉप है और मैं इसका इंटीरियर डिजाइन दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको शॉर्ट दिखाया था तो इस वीडियो में मैं आपको फुल बताऊंगा। और ये मेरा जो शोरूम देख पा रहे हैं ये मिनी है और ये मेरा 8 फुट बाय 15 फुट इसकी चौड़ाई है और लंबाई है। तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। और हार्दिक इंटरनेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विनय शर्मा और मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट लाते रहता हूँ। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहीं पे आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो दिखाने से पहले मैं जिनके यहाँ काम करने आया हूँ और उनका एक खुद यूट्यूब चैनल है तो पहले भाई से मैं आपको मिला देता हूँ। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं करता हूँ धमाकेदार प्रैंक, आप सब लोग जाके सब्सक्राइब कर लो। और ये मेरा शॉप क्लासिक फैशन जो लेडीज का बहुत अच्छा अच्छा ड्रेसअप कलेक्शन मिलते हैं। और हम लोग का नया एक शॉप भी भाई ने ओपन किया है, उसका लिए काम कर रहे हैं भाई, वो एक क्लासिक फैशन और एक जहाँ पे बॉयज का भी ड्रेस मिलेगा। ये सब चीज आप एयरपोर्ट के आसपास ही दुकान शॉप है, वहाँ पे एड्रेस भाई दे देगा तो आप लोग सब यहाँ पे शॉप करने आओ। और भाई को सपोर्ट करो यार, बंदा का काम करते देखो किस टाइप का डेकोरेशन किया, इतना अच्छा डेकोरेशन किया, तो भाई को थोड़ा सपोर्ट कर लो और बूमस्टर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है? भाई को थोड़ा सपोर्ट कर लो। तो भाई क्या बोलते हैं तो वीडियो को देखो, स्किप मत करो। तो ये जो मेरा शॉप है ये दमदम में है और जो मैं नेक्स्ट बना रहा हूँ वो मेरा एयरपोर्ट 2 नंबर में है। तो मैं पहले आपको काउंटर से स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो मेरा काउंटर है, काउंटर देखेंगे तो ये मेरा 4 फुट है और डीप में आएंगे जिसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं वो मेरा 21 इंच है। यहाँ से मैंने 4 इंच का बेस निकाला है और इसको राउंड स्टेप से किया है। और जैसे यहाँ पे काउंटर देख पा रहे हैं सेम आपको काउंटर जो दूसरा शॉप है वहाँ पे काउंटर मिलेगा, कुछ थोड़ा सा आइटम चेंज हुआ है। और यहीं पे देखेंगे ये इसका दुकान का लोगो है तो इस टाइप से आप भी दुकान को सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने 2 ड्रॉवर बनाया है जो कि इसकी 6 इंच डीप है और ये मेरा केस है और नीचे में आप इस टाइप से कॉपी किताब रख सकते हैं। यहाँ पे 2 ड्रॉवर दिया गया और नीचे में आप कुछ भी रख सकते हैं, छोटा छोटा चीज। और बीच में देखेंगे यहाँ पे मैंने एक सेल्फ लगाया है जो कि 2 भाग में हो गया है, आप अच्छी तरह से सेटअप कर सकते हैं। और जिस प्रकार से आपका क्वांटिटी होगा या जिस प्रकार से आप काम करवाना चाहते हैं उस प्रकार से आप पार्टी का जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट था उसी हिसाब से मैंने काम किया है। और यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे आप घड़ी सजा सकते हैं, पीछे में पर्स है और यहाँ पे बेल्ट है, इस प्रकार से आप सेटअप कर सकते हैं। और जो इसका गला मैंने रखा है ये मेरा 10 इंच का गला है जो कि इस टाइप से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये मेरा 1 वाट का लाइट है और व्हाइट लाइट देखेंगे तो ये मेरा व्हाइट है, ये मेरा येलो है और इधर व्हाइट है, सेम कॉम्बिनेशन किया गया है। और इसमें लाइट में देखेंगे तो आपका रेड भी आता है और ब्लू भी आता है तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। यहीं पे देखेंगे ये जो मेरा रैक है ये मेरा डीप 11 इंच ही है जो कि कपड़ा को रखने के लिए काफी है और छोटे से दुकान को सेटअप कर सकते हैं। यहीं पे देखेंगे यहाँ पे भी मेरा सेल्फ है और जैसे मैंने पिछले वीडियो में मेडिकल शॉप का बनाया था वो पूरा आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है। और ये जो मेरा सेल्फ देख पा रहा है ये फोल्डिंग है, अगर आप कहीं पे दुकान शिफ्टिंग करना चाहेंगे तो वो आप इसे यूज कर पाएंगे। यहीं पे देखेंगे स्टेप से आप डिजाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखेंगे मंदिर है जो कि काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया है और ऊपर में देखेंगे फैन है जो कि कस्टमर और क्लाइंट को दोनों को हवा लगेगा। और इसमें एसी भी है मेरा 1.5 टन का, यहीं से मैं आऊं। ये मेरा लूपिंग गिलास है,
लुपिंग ग्लास देखेंगे तो किस टाइप से अगर मेरा शर्ट इन है या कैसा दिखने में लग रहा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो राउंड देख पा रहे हैं आप, राउंड को यहाँ पे पर्दा लगेगा, आप ट्रायल रूम भी बोल सकते हैं। मिनी है ये ट्रायल रूम क्योंकि स्पेस नहीं है। यहीं पे देखेंगे ये मेरा सेल्फ है और यहाँ पे अभी फिलहाल मेरा कपड़ा टंगाया हुआ है, बाद में शू का रैक। ये एक्चुअली में शू रैक है, अभी फिलहाल शू आने वाला है तो आप भी इस टाइप से डेकोरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे नीचे में तो ये घास है और काफी सुंदर दिख रहा है। ये पुतुल है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और जो मेरा ऑपरेट होता है सिस्टम लाइट का, यहाँ से ऑपरेटिंग का पूरा सिस्टम है। और ये मेरा मैन एमसीबी है, और ये एमसीबी देखेंगे तो ये मेरा एसी के लिए है। और यहाँ पे देखेंगे एसी, ये मेरा 1.5 टन का एसी है, ये काफी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ऊपर दिखा था, मैं ऊपर यहाँ पे लाइट देखेंगे, यहाँ पे 26 लाइट दिया है जो कि काफी है। और सब 25% कितना है, 24 वाट का लाइट है जो कि स्पॉट लाइट हम लोग इसे बोलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताए, और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कितना सेटअप होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।